सुप्रभात कक्षा द्वितीय बच्चों, विषय है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए। इसमें बच्चों हम अध्ययन कर रहे थे आपके तृतीय अध्याय मात्राएं पाठ का, जिसमें आप खोलेंगे पेज नंबर 14। और यहाँ पे देख लीजिए पेज नंबर 14 में है, यहाँ पे लास्ट में देख लीजिए आप, यहाँ पे है रौ का अन्य व्यंजनों के साथ मेल। रौ का अन्य व्यंजनों के साथ मेल, तो आप अपनी पुस्तक में देखिए। तो यहाँ पे पहला नंबर डाल के लिखा है, जब कोई व्यंजन रौ के साथ मिलता है तो रौ उसके पैरों में लगता है। पैरों में लगता है, ये इस तरह से मात्रा आती है जिसे पदेन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो जैसे पौ, पौ पे हलंत है क्योंकि ये स्वर रहित है, और फिर देखो पौ उसमें रौ जुड़ जाएगा तो ये बनेगा प्रौ, बोलते ना हम प्रौ। देखो प्रकाश, प्रकाश, प्रेम, प्रौ। तो यहाँ पे पौ में रौ की मात्रा इस तरह से उसके पैरों में लग रही है, जिसका उच्चारण होगा प्र, इस तरह से। फिर देखो आप दूसरे में कौ, कौ पे हलंत, उसमें रौ जोड़ देंगे तो ये बनेगा क्र, क्रम, क्रोध, इस तरह से। यहाँ पे ये व्यंजनों में पैरों में लग रही है, व्यंजनों के नीचे लग रही ना, तो ये पदेन कहलाते हैं। फिर दूसरा देखो आप, जब रौ किसी व्यंजन के साथ मिलता है तो रौ उसके सिर पर लगता है। यहाँ पर तो पहले में जब कोई व्यंजन रौ के साथ मिलता है, दूसरे में है जब रौ किसी व्यंजन के साथ मिलता है तो रौ उसके सिर पर लगता है, और जिसे हम इस तरह से लगाते ना हम, इसे कहते हैं रेफ। तो यहाँ पर देखो रौ, रौ के नीचे क्या है, हलंत लगा है, मतलब ये अ रहित है। फिर इसमें मौ जोड़ देंगे तो ये रम, रौ हल्का सा ध्वनि सुनाई देगी रम। तो ये देखो धर्म, मर्म, धर्म, मर्म। तो यहाँ पर रौ की हल्की ध्वनि सुनाई दे रही है, यदि पूरा रौ लिखा होता ध र म इस तरह से आता ना, तो ये धर्म, मौ के ऊपर आ रही है इसकी मात्रा, तो धर्म। फिर है र प्लस क, रख, रख, इस तरह से, तो ये बनेगा शब्द तर्क, अर्क। इसे हम अपनी हिंदी की कॉपी में लिखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आप भी अपनी व्याकरण की कॉपी खोलिए और देखिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप आज की दिनांक डाल दीजिए 30 जुलाई 2021। फिर अध्याय संख्या, अध्याय का नाम डाल दीजिए, फिर लिखेंगे रौ का अन्य व्यंजनों के साथ मेल। जिस तरह आपने पुस्तक में पढ़ा, जब कोई व्यंजन रौ के साथ मिलता है तो रौ उसके पैरों में लगता है, जैसे उदाहरण थे प्र, प्रकाश, क्र, कर, क्रोध। एक और उदाहरण लिखा है हमने यहाँ पे, ग में रौ जोड़ देंगे तो ग्र, ग्र, और इसके मिलकर बने शब्द हैं ग्रह, ग्रह, ग्रह। और फिर है ग्रामीण, ग्रामीण। तो ये यहाँ पर देखिए आप, रौ का प्रयोग कहाँ पे हो रहा है, व्यंजन के नीचे, मतलब उसके पद पैरों में हो रहा है, तो ये पदेन कहलाता है। और पदेन इस तरह से ये छोटी सी मात्रा के रूप में लगाया जाता है। फिर देखो दूसरे में, जब रौ किसी व्यंजन के साथ मिलता है, ऊपर आपने पढ़ा कि जब कोई व्यंजन रौ के साथ मिलता है, और ये दूसरे में है, जब रौ किसी व्यंजन के साथ मिलता है तो रौ उसके सिर पर लगता है, जैसे र म, रम। तो ये हो गया आपका धर्म, मर्म, र क, रक, तर्क, अर्क। और इसी में एक उदाहरण देख लीजिए आप, यहाँ पे है का,
क पे आ की मात्रा का, फिर र, र पे हलंत है क्योंकि ये स्वर रहित है, और य तो ये कार्य। तो हम किस तरह बोलते हैं कार्य, 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 कार्य। इसे किस तरह पढ़ा जाता है, आधा बोला जा रहा है ना रॉ को, तो ये कार्य कहाँ आएगा, व्यंजन के सिर पे ऊपर आ रहा ना, यो के ऊपर आप लिखते हैं गृह कार्य, कक्षा कार्य, इस तरह ही लिखते हैं ना कार्य। तो यहाँ पे रॉ का प्रयोग हो रहा है व्यंजन के ऊपर, और ये इस तरह से ये कहलाता है रेव। तो इस तरह से बच्चों आज आप अपनी हिंदी की कॉपी में रॉ का व्यंजनों के साथ प्रयोग करने का प्रयास करेंगे, और जिनका प्रयोग हमने पदेन के रूप में और रेफ के रूप में किया। तो चलिए बच्चों आज ये कार्य आप अपनी कॉपी में कर लीजिए। तो धन्यवाद बच्चों।